कीमती समय निकाल कर वो हमारे साथ आए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत कीमती समय होता है इन लोगों का और ये बहुत मुश्किल से आ पाते हैं, तो मैंने उनके लिए एक तारीफ हो जाए। अब मैं प्रोड्यूसर साहब आपसे बोलूँगा। हेलो, आप कौन है? मैं प्रोड्यूसर साहब बोल रहा हूँ। दीजिए इनको, दीजिए साहब को। हाँ, अब मुसाइ जी को आप प्रेजेंट करें प्लीज। हाँ हाँ, स्टिल अब मैं कहना चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहब से, और कि दो शब्द वो कहें कि इस फिल्म को बनाने में उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े, या जैसे उन्होंने कमल जी ने अभी कहा था कि एक जहाज बनाने वालों ने किस तरह से एक कंकड़ डूब जाती है पानी में, तो वो डर था और वो डर को कैसे उन्होंने निपटा, जबकि बहुत ही पुराने शख्स हैं। काबरे जी बहुत फिल्मों में एज ए कैमरा मैन काम किया है और आज भी कैमरा मैन काम कर रहे हैं, प्लस ये डायरेक्शन की इनकी शायद पहली फिल्म है और इन्होंने बहुत ही सूझबूझ से ये फिल्म को बनाई है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि दो सब कहें कि इस फिल्म को बनाने में कितनी कठिनाइयाँ आई या नहीं आई, ये थोड़ा दो सब बताएँगे आपको काबरे साहब। सबको देख के बड़ी खुशी हो रही है, मुश्ताक जी को। एंड ऐसा है कि इस फिल्म में ये मर्डर मिस्ट्री है। आज मर्डर मिस्ट्री कहीं बन रही है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री को देखने के बाद आपको कुछ अलग महसूस होगा। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10th of May को इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों, अपने मित्रों को, सबको इस फिल्म को देखने के लिए बताइए। थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ, तो इसी के साथ चाहूंगा मैं, मुझे अगर वो डायरी दे देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी अपना पानी जहाज में चला पाऊंगा पानी जहाज में, जहाज पानी में चला पाऊंगा। तो दोस्तों, अच्छा हाँ, तो हमारे बीच में भूपेंद्र जी जो हमारे फिल्म में जो हमारे हीरो हैं, वो दो शब्द कहना चाहेंगे अपने बेटे के लिए कि मालिक करे हर एक बाप को ये रहता है कि उसका बेटा सक्सेस हो, उसका बाप भले ही कुछ भी करे, कैसे भी मेहनत करके। आपने देखा होगा कि माँ बाप अपने बेटे के लिए कितनी मेहनत करते हैं, खुद भूखे से हो जाते हैं, लेकिन अपने बेटों को शिक्षा से लेके और हर चीज से लेके किसी चीज में कमी नहीं होने देते। तो एक एक्टर का बाप का अभी दो शब्द वो कहना चाहते हैं। भूपेंद्र जी, जोरदार ताली भूपेंद्र जी के लिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी जैसे इन्होंने एक कहानी सुनाई जहाज के बारे में, तो ये फिल्म जब बन रही थी तो उस फिल्म का जो पूरी हिस्ट्री है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से इनको कुछ इनपुट्स मिले होंगे और उस बेसिस पे उन्होंने ये कहानी सुनाई है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस पिक्चर को बनाने में तकरीबन 15 महीने हो गए होंगे और जो कबरे सर ने मेहनत की है वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसी तरह वो एक तरह से पूरी तरह, जो बोलते हैं ना कि इन्होंने भी एक एग्जांपल दिया कि एक पागलपना सा उसमें सवार हो जाता है, और उसी तरह उनको बहुत हर्डल भी आई। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दिया था अभी इन्होंने कि आदमी घर भूल जाता है, खुद के चप्पल बूट पहनना भूल जाता है, इसी तरह कबरे सर ने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है। तो मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि तहे दिल से इतनी जोर से ताली बजना चाहिए कि नीचे तक आवाज आनी चाहिए कबरे सर के लिए। और इसका सारा श्रेय कबरे सर को जाता है, जितना उन्होंने पेशेंस रखा है इस फिल्म बनाने में, मैं उनको सैल्यूट करता हूं इसलिए। थैंक यू सर। मैं
यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ सबको कि ये फिल्म बनाते हुए मेरी हमारी कंपनी के जो मेरी पार्टनर है शलाका मिलिंद निकम, ये जो है, और मिलिंद निकम जी, इन्होंने जो पेशेंस रखी इसके लिए मैं ये जो तारीफ अभी जो मेरी हुई है इसका पूरा श्रेय इनको जाता है। इनके लिए तालियां बजाई मेरे लिए नहीं, कुछ नहीं हूं। मैं और अच्छी फिल्में बनाना चाहूंगा, सो डेफिनेटली बनाऊंगा। थैंक यू। बहुत खूब। जैसे कि अभी शिखा मिलिंद जी और मिलिंद जी मिलिंद शलाका जी, सॉरी शलाका जी अलग है, हाँ शलाका जी मिलिंद जी, शलाका जी अलग है, मिलिंद जी अलग है, तो जोरदार तालियां जो इस फिल्म के जो एक कमान होती है ना, कमान को लेके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति वो दो बातें कहेंगे, दो बातें। शिखा जी, आप सब यहाँ पे जो मीडिया के पत्रकार वगैरह लोग जो यहाँ पे उपस्थित है उन सबसे अभी हमारे यही निवेदन है कि आप अपने वृत्त पत्र या फिर मीडिया चैनल के थ्रू ये जो हमने फिल्म आपके सामने रखी है तो उसका प्रचार जितना हो सके ज्यादा लोगों तक कीजिए और हमें सफल बनाइए। थैंक यू। अब इसी के साथ शिखा जी दो बातें कहना चाहेंगे। शिखा जी, शलाका जी देखो जोरदार तालियां, सीनियर कलाकार में और जूनियर कलाकार में बस ये फर्क होता है, इसलिए जोरदार तालियां बजाते हैं नीचे तक आवाज चली जा रही है। शिखा को, शिखा को मोदी जी ने अभी एक टिकट दे दिया है तो वो चुनाव लड़ रही है बोरेवली से बोलीवुड छोड़ के, तो जोरदार तालियां खैर शिखा के लिए भी और सलाका जी के लिए। सलाका जी दो बातें। नमस्ते, आप सब 10 मई को 10th मई को जाके फिल्म देखिए जरूर। थैंक यू। अच्छा, अभी धीरे धीरे मैं सारी स्टार कास्ट से प्रेजेंट, सारी स्टार कास्ट को प्रेजेंट करना वन बाय वन प्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले हमारे बीच में जो अरमान ताहिल है, मुश्ताक भाई को तो मैं माइक अभी आराम से दूंगा क्योंकि तो मैं भी चाहूंगा, अरमान जी ने ये फिल्म का ट्रेलर देखा है और इनके साथ में स्टार कास्ट भी खड़ी है और आपका एक्सपीरियंस भी अरमान जी बहुत है, तो दो बातें क्या कहना चाहते हैं आप स्टार कास्ट के, फिल्म के डायरेक्टर और सबके लिए? शुक्र है आपने माइक तो छोड़ा। वेल सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा, पूरी टीम को, मित्तल साहब को, शलाका जी को, मिलिंद जी को और मिस्टर यूके, जो कि शॉर्ट फॉर्म में इनको यूके कहा जाता है, डायरेक्टर साहब को जो कि कैप्टन ऑफ द शिप है। तो ट्रिगर मैंने देखा, मूवी का नाम है नेवर गिव अप, तो आपने गिव अप नहीं किया, बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत मेहनत करी इस फिल्म को बनाने में और जिस तरह पानी में इन्होंने जहाज चलाया उसी तरह इन्होंने फिल्म बनाई है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये फिल्म झंडे गाड़े, कामयाबी के झंडे गाड़े और बहुत अच्छी चले और इसी तरह आप आगे भी नेवर गिव अप करें और फिल्में बनाएं और हमें भी कास्ट करें, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। राइट, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार और आशा करता हूँ कि आपकी फिल्म रिकॉर्ड्स कायम करे। थैंक यू। जोरदार तालियां अरमान जी के लिए। अब अरमान जी और हम एक कार्यक्रम में गए थे तो अरमान जी ने वहां पे जनता को पूछा कि मैं रहने वाली महिलाओं की सीरियल में आया हूँ, इन्होंने करते करते 100 नाम गिना दिए और मैं इनसे सुन रहा था, तो फिर पब्लिक को पूछा कि आप लोगों ने मेरा सीरियल देखा है कि नहीं, तो पब्लिक में सन्नाटा आ गया। तो मैं बोला यार 100 सीरियल गिनाने के बाद भी पब्लिक में सन्नाटा आ गया, एक कोई फिल्म करते वो बता देते तो पब्लिक कम से कम जोरदार ताली बजा देती, तो जोरदार ताली बजा दो अरमान भाई के लिए। बहुत खूब अरमान भाई, अभी हमारे पास खूबसूरत जो फिल्म की अभिनेत्री है उनका आपके इस फिल्म से जुड़ने से लेके और अभी तक मेहनत, आज ये फिल्म पर्दे पे रिलीज हो रही है, पूरे भारत में रिलीज करेंगे, मित्तल साहब बहुत ही बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको फिल्म को करते करते कैसा एक्सपीरियंस रहा और फिल्म में कितनी दिक्कतें आपको, जैसे मालूम है हर एक कलाकार को मालूम रहती है फिल्म बनाते समय, करते समय, रिलीज करते तक बहुत सारी दिक्कतें आती है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सबके सामने शेयर। थैंक यू सो मच।
जोरदार तालियां, खूबसूरत चाय पी के घर जाना। हेलो एवरीवन, आई एम अक्षता दयाल मल्होत्रा, इनको मेरा नाम नहीं पता है, इट्स ओके, अभी मेरा नाम किसी को भी नहीं पता है। सो व्हेन आई गॉट दिस मूवी आई वाज जंपिंग ऑन माय बेड, सो आई वाज लिटरली जंपिंग ऑन माय बेड व्हेन आई गॉट अ कॉल दैट आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस मूवी। सो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क एज एन एक्ट्रेस एंड थैंक यू ओमनेश सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू माय को एक्टर्स that you have actually given me strength, my director, my producer, that I could do everything what I did and हाँ बहुत मुश्किलें हुई शूट करते हुए, ज्यादा मुश्किल था सर के साथ काम करना बिकॉज वो 2 बजे सोकर भी 4 बजे उठ जाते हैं, हमसे वो नहीं हो पाता बट स्टिल वी हैड टू। वो बहुत पंक्चुअल है लेकिन हम लोगों को बहुत मुश्किल हुई इस चीज में, बट देन या वी एंजॉयड एज वेल, हमें बहुत सारी जगहों पे घूमने को मिला, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। सो या थैंक यू एंड प्लीज 10th मई को प्लीज प्लीज मूवी देखने आना, प्लीज बड़े वाला प्लीज। शारिश भाई बोल रहे हैं इस ओके, तो शारिश भाई माफी चाहता हूँ, एक्चुअली मैं मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो शारिश भाई का भी आप सबने काम देखा, इनका ये फिल्म है मालिक करे ये देश में विदेश में पूरे वर्ल्ड में खूब नाम कमाए, बहुत बड़े एक्टर बने, और इनका जो मैंने काम देखा पर्दे पर बड़े खूबसूरत लग रहे हो। तो सर आपने जो इसमें इस फिल्म में मेहनत की है, हर एक फिल्म में इंसान को हर एक व्यक्ति साल में कम से कम 26,000 फिल्में बनती हैं भारत में, तो हर एक व्यक्ति ये सोच के बनाता है कि यार ये फिल्म मैं हिट करूंगा, हिट जरूर, लेकिन फिल्म में बहुत कम 150 फिल्म बनती तो 2 फिल्म हिट होती है, लेकिन आदमी यही सोच के काम करता है कि यार ये फिल्म मैं इसमें अपना 100% दूंगा और इंशाल्लाह ये फिल्म हिट होगी। तो आपने फिल्म हर आदमी के लिए फिल्म एक जो एक्टर होता है उसके लिए हर फिल्म हिट होती है, आपने इसमें इतनी मेहनत की और आपका काम दिख रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, माशाल्लाह भी बड़े खूबसूरत लग रहे हो, अच्छी बॉडी है, और इतनी मेहनत की उसके बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहते हो? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत कम थी बट जो भी दिख रहा है वो सर की हमारी मेहनत ज्यादा थी, उनमें सर की, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज वन थिंग दैट अबाउट दिस फिल्म, मैं सिर्फ ये एक फिल्म नहीं लेके जा रहा हूँ, या इट इज़ नॉट जस्ट अ ड्रीम, दिस इज माई फर्स्ट रिलीजिंग फिल्म, प्रीवियसली आई वर्क इन सम सीरियल्स ऑल्सो एंड आई एम डूइंग सम मोर मूवीज, बट फ्रॉम हियर दिस आई Thank you.